तो दोस्तों आपको आज की स्टूडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर पता चल चुका हो कि आज की स्टूडियो में आपको क्या बताने वाला हूं। तो दोस्तों आज की स्टूडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपके चैनल पर 500 सब्सक्राइबर्स का क्राइटेरिया अगर कंप्लीट हो जाता है तो आपके चैनल पर कौन कौन सा यहां पर आपको फीचर मिलता है, कौन कौन से फीचर आपके चैनल पर इनेबल कर दिए जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उन सबको कांग्रेचुलेशन जिनके चैनल पर अभी 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए। मेरे चैनल पर अभी रिसेंटली 500 सब्सक्राइबर्स का क्राइटेरिया कंप्लीट हुआ है। दोस्तों चलिए आपको बताता हूं कि कौन कौन से फीचर आपके चैनल पर अब इनेबल होते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर फीचर है कस्टम यूआरएल का, जो कि यहाँ पर आपके चैनल पर सिर्फ 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के बाद ही आपके चैनल पर इनेबल कर दिया जाता है। कस्टम यूआरएल का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पर आप अपने चैनल के यूआरएल को देखते हो यहाँ पर अबाउट में जाकर, तो वहाँ पर बहुत ही लंबा एक यहाँ पर यूआरएल आ रहा होगा जहाँ पर youtube.com/channel देखे, उसके बाद स्लैश देखे, बहुत सारे यहाँ पर ABCD कुछ भी यहाँ पर लिखा होगा अल्फाबेट। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ही लंबा यहाँ पर एक यूआरएल होता है। इसको अगर आपके चैनल पर 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो आप यहाँ पर अपने से इसको कस्टमाइज कर सकते हो। अब जो चाहो यहाँ पर आप नाम रख सकते हो, यहाँ पर रहेगा youtube.com/, उसके बाद यहाँ पर आपका चैनल का नाम हो सकता है। अब जो चाहो यहाँ पर जो पहले किसी ने नहीं रखा होगा उसको आप यहाँ पर बदल करके रख सकते हो। तो यहाँ पर यह बहुत ही अच्छा फीचर है जो आपके चैनल पर इनेबल 100 सब्सक्राइबर्स होने के बाद ही कर दिया जाता है। और दोस्तों जो दूसरा फीचर है वो यहाँ पर कम्युनिटी टैब, यहाँ पर यह बहुत ही बड़ा फीचर है। अगर आपके चैनल पर 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर एक सप्ताह के अंदर आपके चैनल पर कम्युनिटी टैब का जो फीचर है वो इनेबल कर दिया जाता है। एक बहुत ही अच्छा फीचर है क्योंकि यहाँ पर अगर आपके चैनल पर जैसे आप वीडियोस अपलोड करते होगे तो मान लो कि आपके वीडियोस पर उतने अच्छे खासे अगर व्यूज नहीं गए हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि आप उसको बूस्ट कर सकते हो अपने कम्युनिटी टैब में शेयर करके। तो यहाँ पर आपको सिंपल से अपने वीडियो को यहाँ पर अपने कम्युनिटी टैब में शेयर कर सकते हो। वहाँ पर अगर आपके कम्युनिटी टैब का रीच अच्छा होगा, आपका कम्युनिटी टैब अगर ज़्यादा लोगों के पास जाता होगा, तो आपका कम्युनिटी टैब के थ्रू आपके वीडियोस पर व्यूज आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरह से कर सकते हो कि अपने वीडियो को शेयर कर सकते हो। उसके बाद अगर आप कुछ मैसेज अपने सब्सक्राइबर्स को देना चाहते हो तो सिंपल से वहाँ पर आप टाइप करके अपने सब्सक्राइबर्स तक कुछ मैसेज भी आप इन्फॉर्मेशन भी आप पहुँचा सकते हो। तो यह जो फीचर है आपके चैनल के लिए बहुत ही अच्छा फीचर है। इसके थ्रू आप अपने ऑडियंस से यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हो, कुछ पूछना चाहो तो वहाँ से आप डायरेक्ट पूछ सकते हो, उसके लिए आपको वीडियो बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और दोस्तों जो हमारा थर्ड फीचर है वो मिलता है @ मेंशन टैब का। यहाँ पर ये जो फीचर है जब आप अपने चैनल को क्रिएट करते हो उसी दिन से यह इनेबल हो जाता है। तो यह जो फीचर है वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि मान लो कि अगर आपको किसी क्रिएटर को अपने वीडियोस में मेंशन करना है तो सिंपल से वहां पर @ आप लगा सकते हो। @ लगाने के बाद वहां पर उस क्रिएटर का आपको नाम डालना है। नाम डालने के बाद वहां पर उस क्रिएटर का चैनल आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करना और वहां पर वो मेंशन हो जाएगा। तो यहां पर एक काफी अच्छा फीचर है। अगर इस तरह से अपने वीडियो में उस चैनल को मेंशन करते हो तो उस चैनल के सब्सक्राइबर्स तक आप अपने वीडियोस को यहां पर पहुंचा सकते हो। तो अगर आप अपने वीडियो में उस क्रिएटर के बारे में कुछ बताया होगा तभी आप उस क्रिएटर को अपने वीडियो में मेंशन करना, नहीं तो फालतू में इसको सर वहां पर उस तरह से नहीं करना। तो दोस्तों ये तीन ऐसे फीचर है जो आपके इतने सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के बाद आपके यहां पर चैनल पर इनेबल कर दिया जाता है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर लेना, चैनल पर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।